हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टूडे वी विल लर्न अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल्स इन 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। ओके दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज, सपोज यू हैव डिनोट पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ओके फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के टू जीरोज पॉसिबल हैं। ओके, तो सपोज फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोस्तों सपोज आपको इसके रूट्स गिवन हैं, मींस अल्फा एंड बीटा गिवन है, और आपको पॉलीनोमियल्स फाइंड करना है, मींस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी एक्स मींस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के लिए देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को देख लेते हैं। व्हाट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल इज पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हियर ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड डी इज कॉन्स्टेंट टर्म। तो दिस इज क्यूबिक पॉलीनोमियल, देयरफॉर इन क्यूबिक पॉलीनोमियल देयर आर थ्री रूट्स, मीन्स देयर विल बी थ्री जीरोज। सपोज दीज थ्री जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। थर्ड इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, थर्ड इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। निगेटिव साइन अल्टरनेट सीक्वेंस में आई है, फर्स्ट में निगेटिव साइन, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव।
अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू हैव पी एक्स इक्वल टू 3x³ + 4x² - 5x + 8। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला है -b/a। अब b की वैल्यू क्या है 4, तो -4/a की वैल्यू 3, -4/3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -4/3। सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a c/a। c की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे -5/a की वैल्यू 3, -5/3। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, d की वैल्यू 8। तो यहाँ पे आप राइट करोगे -8/a की वैल्यू 3। तो इस तरह से एग्जांपल से फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल, चाहे क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उनके रूट्स मीन्स उनके जीरोज एंड उनके कोएफिशिएंट के बीच किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर मैक्सिमम। थैंक यू। आवाज़ लगा।